अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के फ्लावदर क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। दो दिन पहले 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग ने इलाके को दहला दिया था। करीब 12 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। यह कहा जा सकता है कि फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन इस शांति में ही कुछ लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर अपनी दीवारों पर लगाकर सनसनी फैला दी। पुलिस कप्तान ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। SP देहात को मौके पर भेजा गया है। साथ ही ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हिदायत भी दी गई है। फलावदा क्षेत्र के मोहल्ला बंजारन में मीर साहब व बंजारों के बीच दो दिन पहले विवाद हो गया था। इस विवाद में करीब 50 राउंड गोलियां चलाई गईं। इससे एक ही पक्ष के 12 लोग गोली व छर्रे लगने से घायल हो गए थे। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। आज सुबह यह बात भी इलाके में फैल गई कि जिला अस्पताल में भर्ती एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, जिस पर वहाँ हंगामा भी हुआ, लेकिन बाद में यह बात गलत पाई गई। अलबत्ता दीवारों पर जरूर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए। इस बारे में पुलिस कप्तान अजय साहनी ने यह जानकारी दी। थाना फलौदा में समीम और फरहान, ये दो लोग आपस में पड़ोसी हैं। इसी बात को लेकर परसों इसमें आपस में मारपीट हुई, जिसमें समीम पक्ष ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है। उनका ये कहना है कि फरहान उनके लड़के ये लोग घर में घुसे और मारपीट की। मुकदमा पंजीकृत किया गया है, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी वहीं मौके पर हैं, जो स्वयं पूरे मामले को देख रहे हैं। अभी एक मामला प्रकाश में आया कि रात में कुछ लोगों ने मकान बिकाऊ है टाइप का कुछ घरों पे लिखा है। इस संबंध में भी जो व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैला रहा है और माहौल गलत माहौल क्रिएट कर रहा है, उसके खिलाफ भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी, ये भी सुनिश्चित की जा रही है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।